Friends, today we are going to study history chapter 1, the advent of Christianity. From the first paragraph we will start it. Okay, let's start. History traces man progress from the prehistoric times to the present day. So student, history, what is a history? History is the systematic record of the past time. History हम लोग को पुराने time से लेकर अब तक जो भी changes हुए, जो transformations हुए, वो सब हम लोग को किससे पता चलता है? From history. For convenience, historians have divided history into ancient, medieval and modern period. Students, historians means the person who have studied or written about history. Historians वो है जो हमें history के बारे में, मतलब इतिहास के बारे में बताते हैं. तो history is divided into three periods. How many periods, students? Into three periods. What are they? Ancient, medieval and modern period. Ancient period is also it means early period. Medieval period is also known as middle age or middle period. Okay, is it clear? So how many histories divided into how many periods? Three period: ancient, medieval and modern period. Each period objects the changes, the transformation of the life of the people. तो हर एक पीरियड में जो चेंजेस हो रहा है, हर एक पीरियड में कुछ ना कुछ लोगों में चेंजेस हुआ है, वो सबको हिस्टोरियंस थ्री पार्ट्स में बांट दिए हैं, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न. ओके बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है? बच्चों, हिस्ट्री सब्जेक्ट से डरना नहीं है. काफी बच्चे डर जाते हैं, किसको रटना पड़ेगा. नहीं, रटना नहीं है, प्यार से समझो, अच्छे से समझो, तो फिर अच्छे से लर्न भी कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट. सो देयर आर थ्री पीरियड्स: एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड. इन दिस चैप्टर वी विल मेन फोकस ऑन द मेडिएवल पीरियड. ऑन विच पीरियड स्टूडेंट्स? इन मेडिएवल पीरियड. वन मोर थिंग्स, द ट्रांजिशन ऑफ द फ्रॉम एशियन टू मेडिएवल, मतलब एंशियंट से मेडिएवल का जो चेंज था, ट्रांजिशन था, और मेडिएवल से मॉडर्न पीरियड का जो चेंजेस था, उसका टाइम पीरियड बहुत अलग अलग था. मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका जो टाइमिंग था वो सेम नहीं था. इन इंडिया मेडिवल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 1800 CE. मतलब इंडिया में मेडिवल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 800, मतलब 800 साल से 1800 साल तक चला मेडिवल पीरियड. अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे यूरोप से, तो मेडिवल पीरियड कब से हुआ? 16th century से 1500 century तक. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल मेन फोकस ऑन द पीरियड मेडिएवल. ठीक है बच्चों, सो व्हाट, व्हाई वी आर मेन स्टडिंग मेडिएवल पीरियड इज द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. मेडिएवल पीरियड में आया क्या? क्रिश्चियनिटी. क्या है बच्चों? क्रिश्चियनिटी. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. And also medieval period witnessed the rise of Arabs, Turkish Empire, which had a remarkable influence on India. ये भी कहा माना जाता है कि medieval period में जो Arabs थे और Turkish Empire भी बहुत ज़्यादा हमारे भारत में मशहूर थे, मतलब बहुत ज़्यादा remarkable था. It also marked the advent of Europeans in India for trade. और ट्रेड के लिए यूरोपियंस भी हमारे देश में आए थे, ये भी माना जाता है. सो नाउ वी विल स्टार्ट द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी. द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया. ओके स्टूडेंट, सी हियर, क्रिश्चियनिटी एंड जीसस क्राइस्ट, दिस CHRIST, 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 Christ. You can link it, Christ, Christ. So, Jesus Christ was the founder of the Christianity. Christianity को किसने found किया? Jesus Christ ने. किसने found किया बच्चों? Jesus Christ. Christianity was forged by a Jew named Jesus, who was probably born in 4 BCE in Bethlehem, in Judea. बच्चों, जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? 4 BCE में, इन बैथलेहम इन जुडे. कहाँ जन्म हुआ था उनका? बैथलेहम इन जुडे. बैथलेहम कहाँ है? इन जुडे. ओके स्टूडेंट्स, जीसस क्राइस्ट आल्सो कंसीडर्ड एज मसीहा
एज द मसीह एंड द सन ऑफ गॉड बाय द क्रिश्चियंस। जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता था और उनको मसीहा कहा जाता था। भगवान के बच्चे तो हम सब हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को ही सन ऑफ गॉड क्यों कहा जाता था? पहले जमाने में क्या होता था, भगवान सबका अवतार होता था, तो भगवान अवतार लेते थे, तो जीसस क्राइस्ट जो थे वो भगवान के अवतार थे, इसलिए उन्हें सन ऑफ गॉड क्रिश्चियंस कहते थे। उनके पूरे 30 ईयर्स में जीसस क्राइस्ट को सब एज अ सन ऑफ गॉड और मसीहा कहते थे। ही वॉज रेज्ड इन नजरत। अच्छा बच्चों ध्यान दो, उनका जन्म हुआ बैथलेहम में, लेकिन वो बड़े कहाँ हुए? नजरत। कहाँ बड़े हुए बच्चों? इन नजरत। अगर अभी आप लोग जियोग्राफिकल मैप खोलोगे तो जो ये नजरत है वो उसको अभी क्या कहा जाता है? पैलेस्टाइन। क्या कहा जाता है बच्चों? पैलेस्टाइन। ही स्टडीड जूस स्क्रिप्चर्स। जीसस क्राइस्ट ने क्या पढ़ा था बच्चों? जूस स्क्रिप्चर। क्या पढ़ा था? धार्मिक स्क्रिप्चर पढ़े थे, जिसका नाम था जूस स्क्रिप्चर उन्होंने पढ़ी थी। हाउएवर ही इज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जूस रिलीजन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस क्लैश्ड विद ट्रेडिशनल जूस लीडर्स। लेकिन बच्चों आप सब जानते हो कुछ कुछ बातों में, जैसे कि कभी हमारे पर बहुत मुसीबत हुआ या कुछ प्रॉब्लम में पड़े, तो कुछ लोगों का मानना रहता है कि भगवान हमारा परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कोई कोई मानते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो जो हर कोई ना कोई बात पर हर लोगों का इंटरप्रिटेशन, मतलब जो सुझाव होता है या सोचने का तरीका होता है, वो अलग होता है। तो जो जूस स्क्रिप्चर था उन पर जीसस का जो मानना था वो अलग था, ठीक है। जो जीसस का जो मानना था, जो वो सोचते थे, वो दूसरे ज्यूस लीडर्स, मतलब जो दूसरे रिलीजन के ज्यूस रिलीजन लीडर्स थे, उनका मानना अलग था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्लैश्ड हुआ था, स्टार्ट हुए थे ज्यूस लीडर्स के बीच में, जो ज्यूस लीडर्स थे और जीसस के बीच में, इसके लिए इंटरप्रिटेशन होने लगा, मतलब सुझाव एक सा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल्स रिटन बाय डिसिपल्स ही हैड हीलिंग पावर एंड कुड परफॉर्म मिरेकल्स। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द गॉस्पल्स? गॉस्पल इज द फोर बुक्स मेंशन इन द न्यू टेस्टमेंट रिटन बाय द जीसस डिसिपल्स। गॉस्पल्स क्या है? वो चार बुक है, चार बुक मीन्स मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, MMLJ। ये चार बुक को मिलाकर होता है गॉस्पल्स, जिसको क्रिश्चियंस के ज्यूस बाइबल में या फिर क्रिश्चियंस उसको ओल्ड टेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जूस गॉस्पल से हम लोगों को पता चलता है कि जीसस के पास हीलिंग पावर्स थी, मतलब शक्तियां थी जिससे वो कोई भी चमत्कार कर सकते थे। Thus he attracted large crowds which irritated the Jewish leader। जिसके, देखो बच्चों अभी मैंने बताया कि जो Jewish स्क्रिप्चर था उन पर जो दूसरे लीडर्स थे, जो दूसरे लोग थे Jewish लीडर्स, मतलब रिलीजन्स के जो लीडर्स थे, उनका मानना अलग था और जीसस का मानना अलग था। तो ये उनको बहुत इरिटेट करता था दूसरे Jewish लीडर्स को, क्या चीज कि जब भी जीसस कुछ कहते थे या कुछ बोलते थे, कुछ कहना चाहते थे, तो पूरा एक लार्ज क्राउड, मतलब बहुत सारे लोग उनको सुनने आते थे और सुनते भी थे, तो ये दूसरे लीडर्स को इरिटेट करता था। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द टीचिंग ऑफ जीसस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी टीचिंग ऑफ जीसस, द थर्ड पैराग्राफ ऑफ योर बुक टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट जीसस वॉज सिंपल एंड वेयर समराइज इन द ज्यूस बाइबल। तो जो टीचिंग था जीसस का, उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है और लिखा गया है किसमें? ज्यूस बाइबल में, जिसको क्रिश्चियंस ओल्ड टेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या बताते थे, क्या पढ़ाते थे? ही टॉट दैट आवर लव फॉर गॉड शुड बी अनकंडीशनल एंड गुड शुड ट्रायम्फ ओवर इविल। उनका मानना था कि भगवान के प्रति जो हमारा प्यार है, जो लव है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल, मतलब कोई शर्त नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए जो हमारा प्यार है, जो लव है, वो उसमें कोई भी शर्त नहीं होना चाहिए। और क्या कहते थे? गुड शुड ट्रायम्फ ओवर इविल। बुराई पर अच्छाई की जीत हो सकती है। हम जो बुरे हैं, हमारे दुश्मन हैं, उस पर हम लोग अपने अच्छाई से उसको जीत सकते हैं। जीसस पोजेस द वर्च्यू ऑफ टेंडरनेस, कंपेशन एंड करेज। जीसस क्या चीज को बढ़ावा देते थे? द वर्च्यू ऑफ टेंडरनेस, कंपेशन एंड करेज, साहस, हिम्मत, और दूसरों से कोमल भाव से बात करने को ज्यादा पोजेस करते थे, ठीक है बच्चों।
ही स्क्रोन शेम एंड प्रिटेंस, वो क्या चीज को मना करते थे, अपमानित करते थे, शेम एंड प्रिटेंस मतलब दिखावा करना और किसी को दिखावे को सुनना या जिसको जानना, किसी के भी दिखावे करने का जो तरीका होता है उसको वो स्क्रॉन करते मतलब अपमानित करते थे, नहीं मानते थे उसको। ठीक है बच्चों, देखो अभी आप लोगों को ये सुनने में ऐसा लगेगा कि ये सब तो हम लोग जानते हैं, वाई टूडे वी आर इवॉल्व, वी नो दैट वी शुड लव आवर नेबर्स, वी शुड टू लव आवर एनिमीज नेबर्स, ये सब हम लोग अब जानते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, जो टीचिंग है, ये आज से 1700 या 1800 से के पहले की बात है। ठीक है, तो उस टाइम ये सारी बातें लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। तब भी जो जीसस थे वो एक लार्ज क्राउड को लोगों को अपने पास इकट्ठा कर लेते थे और सब इनकी बातें सुनते थे। नेक्स्ट वी विल सी, ही लिव्ड सिंपली, हैड सिंपथी फॉर ऑल एंड ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वल। जीसस के पास हर लोगों के लिए सहानुभूति होती थी, मतलब सिंपथी था, वो सबको प्यार करते थे, सबको एक जैसा बिहेव करते थे, उनके पास जो भी आता था वो उनकी बातें सुनते थे। और जीसस की जो भी टीचिंग है वो सारे रिकॉर्ड हैं किसमें, 4 कैनोनिकल गॉस्पल्स में, ये 4 बुक्स में जीसस की जो भी टीचिंग है, मेथड्स है, वो सब रिकॉर्ड किया। अच्छा बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द 4th पैराग्राफ, क्रूसीफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रूसीफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, नाउ फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज क्रूसीफिकेशन। व्हाट इज क्रूसीफिकेशन? रोमन एम्पायर में, मतलब आज से बहुत साल पहले रोमन एम्पायर में लोगों को एक तरीके का पनिशमेंट दिया जाता था। क्या पनिशमेंट? क्रूसीफाई कर देना। इसका मतलब होता है जो गुनहगार है उसको क्रॉस पर लटका कर कील ठोक कर छोड़ दो ताकि वो वहीं पर मर जाए, तो उसको बोलते थे पुट टू डेथ बाय फेस्टिंग टू ए क्रॉस। एक क्रॉस पर रख के उसको छोड़ दो कील ठोक कर, तो उसको कहा जाता था क्रूसीफिकेशन। ओके, नाउ स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैराग्राफ। पैलेस्टाइन एट दिस टाइम वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ द रोमन्स। द जूस कम्युनिटी मेड द रोमन्स ऑल्सो बिलीव दैट जीसस वॉज अ थ्रेट टू देम एंड देयर रिलीजन। देखो जो नजरत मैंने बताया ना, जो भी पैलेस्टाइन है, उस टाइम यहाँ पर किन का राज्य था? रोमन एम्पायर था। क्या चीज का राज्य था बच्चों? रोमन्स का। ठीक है, तो जो रोमन्स का राज्य था तो उस टाइम क्या हुआ, जूस कम्युनिटी जो थे, जैसे जूस स्क्रिप्चर जो जीसस पढ़े थे उसका एक कम्युनिटी था, वो लोग जीसस के खिलाफ जो रोम गवर्नर थे उनको ये बोल दिए कि ये समझा दिए कि जीसस क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और अपने तरफ ले रहे, अपने तरफ खींच रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं गवर्नर, अपनी कमेटी जीसस स्क्रिप्ट का उल्टा मतलब बताकर लोगों को भड़का रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो रोमन गवर्नर थे उन्होंने जीसस को अरेस्ट कर लिया। कौन से जुर्म में अरेस्ट किया? सेडिशन। किस जुर्म में अरेस्ट किया, क्या चार्ज किया उन पर? सेडिशन मतलब राजद्रोह, मतलब अपने देश के प्रति राजद्रोह, मतलब अपने देश के लोगों को भड़काने के लिए, अपने जो जीसस स्क्रिप्चर है उसके बारे में गलत बोलने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको क्या चीज के लिए, क्या पनिशमेंट दिया गया, वो था क्रूसीफिकेशन इन 30 CE। मतलब आज से 300 साल पहले उनको कौन सा सजा दिया गया, 300 साल, मतलब 1700-1800 साल से पहले उनको 30 CE में क्रूसीफाई कर दिया गया। जीसस को ये पनिशमेंट दिया गया, और जिस दिन जीसस को क्रूसीफाई किया गया उस दिन को लोग क्या चीज में सेलिब्रेट करते हैं, एज अ गुड फ्राइडे। ओके बच्चों, द डे ऑन द डे ऑफ क्रूसीफिकेशन इज सेलिब्रेटेड एज गुड फ्राइडे। क्रिश्चियंस बिलीव दैट आफ्टर हिज डेथ, लोगों का मानना था, जो क्रिश्चियंस थे उनका मानना था कि 3 दिन बाद जीसस का जो डेथ के 3 दिन बाद जीसस के शरीर में उनका जो स्पिरिट था, आत्मा था, वो वापस आया था। मतलब लोगों का मानना था कि वो फिर से जिंदा हुए थे, तो उनको लोग क्या, उस दिन को लोग क्या चीज के तौर पर मनाते हैं, एज अ रेजरेक्शन या फिर ईस्टर के रूप में उसको मनाया जाता है इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। क्रिश्चियंस आज भी उसको एज अ ईस्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। हावेवर बाय 300 CE, लेकिन फिर भी जीसस के बाद भी जो क्रिश्चियनिटी था वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे रोमन एम्पायर में फैला, और उसके साथ साथ आर्मेनिया, पर्शियन, इन पर्शिया जगह पर भी फैला ड्यू टू द एफर्ट ऑफ एस्टिपॉल। ज़्यादातर इसमें किन्होंने मदद किया, मतलब ज़्यादा फैलाने में किनको श्रेय जाता है या फिर कौन ज़्यादा क्रेडिटेबल थे इसको बढ़ाने में, जीसस के डिसिपल्स थे बहुत सारे और एक थे
एसटी पॉल, इन्होंने मिलकर क्रिश्चियनिटी को पूरे पूरे यूरोप आर्मेनिया में रोमन एम्पायर में इसको क्रिश्चियनिटी को फैलाया। स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। व्हाट स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनके डिसिपल्स एसटी पॉल के बाद क्रिश्चियनिटी कैसे फैला, किन्होंने पूरे रोम में या यूरोप में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। रोमन एम्पायर रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड क्रिश्चियनिटी या और क्रिश्चियंस। देखो बच्चों, एक रोमन गवर्नर थे उस टाइम, जिन्होंने ज्यूस स्क्रिप्चर्स को लेकर लीडर्स की बातें सुनकर जीसस को क्रूसीफाई कर दिया। उसके बाद एक एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन, क्या नाम था एम्परर का, कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक अलग ही मोड़ पर ले गए, मतलब एक नया फॉर्म दिया, एक न्यू फॉर्म दिया, नया मान्यता दिया, क्रिश्चियनिटी को और फैलाया, पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फैलाया, एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस स्टार्ट किया क्रिश्चियंस के लिए, मतलब क्रिश्चियंस को सम्मान देने के लिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस स्टार्ट किए। मतलब कॉन्स्टेंटाइन को ऐसा लगा कि जो आज से कुछ साल पहले जो घटना हुआ था, जो जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया, वो गलत था, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के सम्मान में क्रिश्चियंस के लिए इसको एक अलग मोड़ पर ले गए। कॉन्स्टेंटाइन बिल्ट अ न्यू इम्पीरियल कैपिटल एट बाइजेंटियम विच वॉज कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, एक नया कैपिटल बनाया, क्या नाम था, कहाँ बनाया बच्चों, कौन सा कैपिटल, बाइजेंटियम, कहाँ बनाया, एट बाइजेंटियम, जिसको उनके नाम पर दिया गया, क्या नाम दिया गया कैपिटल का, कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो आज के डेट में, प्रेजेंट डे में इस्तांबुल है, ठीक है। और इस कैपिटल का, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो बाइजेंटियम में है, उसको पूरा क्रिश्चियन स्टाइल में आर्किटेक्ट किया गया, पूरे क्रिश्चियन स्टाइल में डिज़ाइन बनाए गए, बिल्डिंग्स के सारे चर्च, मतलब वहाँ पर बहुत सारे चर्च भी बनाए गए। बाय द 4th century क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन इन रोमन एम्पायर। और फोर्थ सेंचुरी में, मतलब 400 साल में क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी पूरा एक मतलब ऑफिशियल रिलीजन बन गया, मतलब ज़्यादातर रोमन एम्पायर में कौन से धर्म को माना गया, क्रिश्चियनिटी को, ओके। कॉन्स्टेंटाइन प्लेस द ग्रीक इनिशियल फॉर क्राइस्ट ऑन हिज शील्ड्स एंड बैनर्स। कॉन्स्टेंटाइन ने एक ग्रीक यहाँ पर इस क्रॉस को कहा गया है बच्चों, मतलब उनके सम्मान में, जीसस के सम्मान में उन्होंने बहुत सारे शील्ड्स और बैनर्स भी बनाए और इनको क्रिश्चियनिटी को एक नया सम्मान दिया। नाउ वी विल स्टडी डिविजन ऑफ द रोमन एम्पायर। ओके, क्रिश्चियनिटी अभी क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी पूरे रोम में फैल चुका था, ऑफिशियल रिलीजन हो गया, लेकिन उसके बाद आया डिवीज़न ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का डिवीज़न हो गया, अलग अलग हो गया। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड नाइदर डिड रोम फॉल इन अ डे। ना ही रोम एक दिन में बना था, मतलब जो रोम था इतना बड़ा जगह क्या एक दिन में ही बन गया था, नहीं, बहुत दिन लगे थे और बहुत समय भी लगा इसको फॉल होने में, जितना टाइम लगा बढ़ने में उतना ही टाइम लगा नीचे घटने में। व्हेन एम्परर थियोडोसियस एक राजा थे, ठीक है, थियोडोसियस अबाउट 60 years आफ्टर फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, जब कॉन्स्टेंटिनोपोल का कैपिटल जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था उसके 60 साल होने के बाद थियोडोसियस जो थे उनका डेथ हो गया। ही लेफ्ट 2 sons, उनके कितने बेटे थे, 2 sons, उनका नाम क्या था, आर्किडियस और ऑनोरियस, दो बेटे थे किनका, थियोडोसियस का, दो बेटे थे आर्किडियस एंड ऑनोरियस। इन दोनों ने उनके डेथ के बाद किया, पूरा राज्य को अपने में बांट लिया, ठीक है, दे डिवाइडेड द एम्पायर बिटवीन देम। आर्किडियस को मिला ईस्टर्न एम्पायर और ऑनोरियस को मिला वेस्टर्न एम्पायर। ईस्टर्न एम्पायर में आता था कॉन्स्टेंटिनोपोल इनका कैपिटल, मतलब आर्किडियस का ईस्टर्न एम्पायर में आया कॉन्स्टेंटिनोपोल उनका कैपिटल बना, और वेस्टर्न साइड में ऑनोरियस का कैपिटल क्या बना, रोम। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लिसन केयरफुली। आर्किडियस को मिला, दोनों ने पूरा राज्य बांट लिया, तो ईस्टर्न एम्पायर मिला आर्किडियस को जिसमें कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपोल और इनका कैपिटल था रोम। ओके, सी द मैप हियर स्टूडेंट्स, द येलो कलर वाज द वेस्टर्न एम्पायर, द होल येलो कलर वाज द
वेस्टर्न एम्पायर एंड द पिंक कलर मेंशन वाज द ईस्टर्न एम्पायर विच वाज गिवन टू द आर्किडियस. ठीक है. इट अपॉन रोम एंड द वेस्टर्न एम्पायर दैट द फुल फोर्स ऑफ बार्बेरियन ऑनसॉल्ट फेल. देखो बच्चों क्या हुआ, जब ऑनवियस को पूरा राज्य मिला वो सिर्फ 11 ईयर्स के थे. ठीक है. तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ही वेस्टर्न एम्पायर पर जो बार्बेरियंस थे उन्होंने अपने पूरा ताकत लगाकर उन पर अटैक कर दिया. तो उस अटैक से क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक किया. ट्राइबल्स दिस ट्राइबल्स अटैक्ड एंड प्लंडर्ड मैनी रोमन टेरिटरीज इंक्लूडिंग रोम. रोम के साथ साथ उन्होंने पूरा वेस्टर्न यूरोप में बहुत लूटपाट की, चोरी की और उसको पूरा बर्बाद कर दिया. जैसे कि वेस्टर्न एम्पायर जो था वो फॉल होना स्टार्ट हो गया. The Western Empire did not put an end to the Roman Empire. देखो पूरी तरीके से अभी मतलब हुआ मतलब आधा, if you say 85% it was blundered and the attacked by the barbarians. Barbarians के हमले की वजह से ही आधा खत्म हो गया. लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिससे ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर दोनों का डेक्लाइन जो था वो स्टार्ट हो गया. मतलब पूरा एक रोमन एम्पायर का डेक्लाइन स्टार्ट हुआ. फिर भी वेस्टर्न के बर्बाद होने के बाद ईस्टर्न एम्पायर कम से कम 1000 सालों तक चला. ठीक है. तो क्या फैक्टर्स था, क्या मेन कारण थे जिनके वजह से जो जो रोमन एम्पायर था वो पूरा डेक्लाइन हो गया, वो अभी हम लोग देखेंगे. Let's see what was the factors which led to the decline of the Roman Empire. Let us discuss it, students. Christianity was less tolerant of other cultures and religions. For example, Emperor Theodosius ended the Olympic Games because they honored Jesus. देखो जो Christianity थे, Christian के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो दूसरे cultures और दूसरे religions को सम्मान नहीं देते थे, मतलब कम मानते थे, कम tolerate करते थे. जिसका एक example है जो Emperor थे Theodosius, जिनके दो बेटे थे Arcadius और Honorius, वो क्या किए, Olympic गेम को ही बंद कर दिए क्योंकि वो जीसस को मानते थे. ये पहला कारण था जिससे कि रोमन एम्पायर जो था वो डेक्लाइन हो गया. दूसरा, रोमन सोल्जर्स वेयर लॉयल टू देयर मिलिट्री लीडर्स रेदर देन बीइंग लॉयल टू द एम्परर. दूसरा ये कारण था मेन कि वो लोग जो रोमन सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो मिलिट्री लीडर्स के साथ ज़्यादा लॉयल थे, ज़्यादा बात किसका सुनते थे और जिन किनके खिलाफ उनका ज़्यादा लॉयलिटी था, मिलिट्री लीडर्स के साथ. वो अपने राजा को, राजा की बात को नहीं सुनते थे. तो ये था दूसरा कारण. थर्ड वन इज द फॉलिंग इकोनॉमी कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द वास्ट एम्पायर. फॉलिंग इकोनॉमी मतलब वेस्ट साइड को बारबेरियंस के अटैक की वजह से वो खत्म हो गया धीरे धीरे. जो उनका खजाना था, जो चीज़ें थी, वो सब चोरी हो गई. तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फॉल आ गया जिससे ज़्यादातर पूरे एम्पायर को, पूरे राज्य को, पूरे रोमन एम्पायर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा. तो ये था तीसरा कारण. फोर्थ नंबर, हैवी एंड अनजस्ट टैक्स अपॉन द मिडिल क्लास लेड टू अनरेस्ट. उसके बाद इतने सारे डैमेजेस मतलब प्लंडर्ड के बाद, लूटपाट के बाद, बारबेरियंस के अटैक के बाद हैवी टैक्सेस डाला गया किस पर, मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर. ये था फोर्थ कारण जिसके वजह से डिक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर. फिफ्थ नंबर इज रोमन्स बिकेम लेजी एंड कंफर्टेबल विद द टाइम. जैसे जैसे समय बीतता गया वो समय के साथ उसको अपने उसी के अंदर, हमारा इकोनॉमी जो है कम हो गया है, राज्य खत्म होने वाला है, इस चीज को उन्होंने मान लिया. ये था फोर्थ वे सॉरी रीजन. लास्ट रीजन वॉज दैट रोमन्स हायर्ड बारबेरियन मिशनरीज टू गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द एम्परर एम्पायर. हाउएवर दिस प्लेस बैकफायर्ड व्हेन द बारबेरियंस इन्वेडेड. क्या हुआ बच्चों, जो रोमन्स थे दे वेर सच लूजर्स. वो क्या किए, उन्होंने बारबेरियन मैसेनरीज मतलब जो बारबेरियंस के जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, उनको ही अपने बॉर्डर पर रख लिया एज अ गार्डिंग के लिए, मतलब गार्ड करने के लिए बारबेरियन मैसेनरीज को ही रख लिया. जो क्या किए, लास्ट में उन पर ही बैकफायर करती है, दोबारा अटैक करती है. इससे क्या हुआ, रोमन एम्पायर खत्म हुआ और उसके बाद बारबेरियंस का आना स्टार्ट हो गया. तो अभी नाउ वी विल स्टडी बारबेरिक इन्वेंशन. ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री में क्या, कौन से पीरियड के बारे में, मिडिवल पीरियड के बारे में, फिर क्रिश्चियनिटी कैसे आया, जीसस लेकर आए, उनका टीचिंग वे क्या था, क्रूसीफाई क्या होता है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़े. नाउ वी विल स्टडी
barbaric invasion. Okay, the most prominent cause for the decline of the Roman Empire was barbaric invasion. बच्चों सबसे मेन कारण क्या था रोमन एम्पायर के डेक्लाइन में खत्म होने में, वो था बारबेरिक इन्वेंशन. ये थे सबसे मेन कारण जिनके वजह से रोमन एम्पायर का डेक्लाइन हुआ. फर्स्ट केम द गोथ्स, सबसे पहले आए गोथ्स. ठीक है, दे वेयर जर्मन्स हु वेयर डिवाइडेड इनटू टू ट्राइब्स. गोथ्स जो थे वो जर्मन्स थे. ठीक है, जो टू ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, एक वेस्ट कोट्स और दूसरे थे ईस्ट कोट्स. ओके स्टूडेंट्स, दे वेयर लोलेस ग्रीडी एंड. अच्छा बच्चों, जो जो ये गोट्स थे मतलब जर्मन ट्राइब्स थे ये, तो ये दो टू पार्ट्स में डिवाइड थे, वेस्ट गोट्स एंड ईस्ट गोट्स. ये जो गोट्स थे वो लोलेस थे, ग्रीडी थे और ट्रेचुरस थे, मतलब कोई इनका नियम नहीं था, एक नंबर के लालची थे और बहुत डेंजरियस थे. ट्रेचुरस बहुत डेंजरस थे. ठीक है, दे केम एट फर्स्ट फ्लीइंग फ्रॉम द हंस. ये सब सबसे पहले किससे छुप कर आए थे, किस मतलब किससे डर कर या फिर छुप कर आए थे, फ्रॉम द हंस. किससे बच्चों, हंस. एट फार मोर बारबेरियस एनिमी सीकिंग शेल्टर इन रोम. ये जो हंस थे ये और भी डेंजर्स थे, बारबेरियन से भी डेंजर्स एनिमी थे जो कि रोम में आकर छिपे हुए थे शेल्टर के लिए. They founded the protection they desired, but turned against the men who provided them with aid. हंस जो थे वो क्या किए, रोम में शेल्टर के लिए आए थे, वो जिस तरीके का शेल्टर चाहते थे वो रोमन्स उनको प्रोवाइड किए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, हंस ने उन पर ही दोबारा मतलब उल्टा अटैक कर दिया गया जो उनको शेल्टर दिए थे. अंडर देयर यंग किंग एल्ड्रिक द विसिगोथ्स अटैक द एम्पायर अगेन एंड अगेन. उस टाइम इनका राजा कौन था, यंग किंग एल्ड्रिक. कौन थे राजा, एल्ड्रिक द विसिगोथ. एल्ड्रिक विसिगोथ जिन्होंने रोमन एम्पायर पर बार बार अटैक किया. ट्वाइस ही लेट सेगी एट रोम. वो दो बार तीन बार अटैक किए, मतलब सेगी मीन्स SIEGE, मतलब पूरे राज्य में छिपकर चारों तरफ से अटैक करना. इन्होंने रोम पर पूरा छिपकर अटैक किया, लेकिन तीसरे बार इन्होंने पूरा सिटी को लूटपाट कर लिया, प्लंडर्ड. ही केम एंड प्लंडर्ड द सिटी. वेव आफ्टर वेव ग्रुप सच एज वेंदलाज एंगल्स सेक्शंस फ्रैंक्स लोमबार्ड्स टुक टर्न इन रेविंग द एम्पायर. उसके बाद जैसे जैसे डेज पार हुआ, जैसे पानी का लहर होता है ना बच्चों, उस तरीके से बहुत सारे ग्रुप जैसे वेंदलाज एंगल्स सेक्शन फ्रैंक्स लोमबार्ड्स ये सब आए और बार बार एम्पायर में, पूरे रोमन एम्पायर में अटैक किया. इवेंचुअली क्रैविंग आउट एरियाज टू सेटल डाउन. ताकि क्यों ज़्यादातर लोग अटैक कर रहे थे, वो जगह ढूंढ रहे थे रोम में रहने के लिए. द एंगल्स एंड सेक्शन पॉल्यूटेड ब्रिटिश इज लेस. जो इनमें जो ग्रुप्स थे बच्चों, वेंदलाज एंगल्स सेक्शन फ्रैंक्स लोमबार्ड्स ये सब बार बार एम्पायर में अटैक किए, इनमें जो एंगल्स और सेक्शंस थे इन्होंने ब्रिटिश इजलेस को पूरा पॉल्यूट किया, इनको पर अटैक किया. ब्रिटिश इजलेस जो रोमन एम्पायर में था इसको अपने अंडर में ले लिया. फिर उसके बाद फ्रैंक्स जो ग्रुप्स थे उन्होंने पूरा फ्रांस को ही एंड कर दिया. और उसके बाद इन 476 CE रोम्यूलस द लास्ट रोमन एम्परर इन द वेस्ट. जो रोम्यूलस थे वो लास्ट एम्परर थे, जनरल लीड सॉरी रोमन एम्परर के लास्ट राजा थे ये रोम्यूलस. वाज ओवरथ्रोन बाय द जर्मन लीडर, जिनको एक जर्मन लीडर थे उन्होंने हटा दिया, मतलब ओवरथ्रोन मतलब उनको अपने राज्य से हटा दिया. कौन थे वो, ऑडोसर who became the first barbarian ruler in the Rome, जो कि सबसे पहले barbarian ruler बने रोम में, first, और वो first barbarian ruler of Rome बने, Odysseus. ठीक है बच्चों, now from this, from the next lesson we will study rise of Byzantium. तो बच्चों इससे हम लोग को क्या पता चला, कैसे रोमन एम्पायर खत्म हुआ. देखो जो टाइम पीरियड था मेडिवल पीरियड का वो बहुत ज़्यादा था, इसके बीच में बहुत सारे इन ग्रुप ऑफ ट्राइबर्स ग्रुप्स आए गए. ठीक है, तो इनमें एक थे बारबेरिक इन्वेंशन, ये खत्म हुआ. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी राइज ऑफ बाइजेंटियम.